अच्छा मुझे बट ये बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में ये है कि आपने लॉ पढ़ा हुआ है और आपने इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं लीगल ऑफिसेज में, लीगल फर्म्स में आपने प्रॉपर काम किया है, और फिर आपने जम मार दिया एक्टिंग में। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझाएं हमें। तो बेसिकली मैंने जंप लॉ में मारा था एक्टिंग क्योंकि से लॉ में मारा था। एक्टिंग मैंने बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, लाइक देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, या कुछ ये प्लान बी कुछ नहीं था मेरे लिए, एक्टिंग वाज द ओनली प्लान ए. लेकिन मेरे अम्मा अब्बा जो के कहते हैं कि डिग्री के बगैर आप कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी का, तो आप डिग्री करें उसके बाद आपने जो करना है जिंदगी में आप करें. यू वॉन्ट टू बी अ पेंटर, यू वॉन्ट टू बी एनी थिंग यू वॉन्ट, बट यू नीड टू हैव अ डिग्री. तो जब मैंने ए लेवल्स में लॉ रखा तो मुझे लॉ बहुत पसंद आ गया, और मेरी खाला भी एक लॉयर है तो मैं हमेशा से उनको देखती थी और मैं बड़ी इम्प्रेस होती थी उनसे. तो फिर मैंने कहा चलो लॉ ही कर लेते हैं. वो लहदा बात है, जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे इतना मज़ा आना शुरू हुआ और मेरे ग्रेड इतने अच्छे आ गए कि मेरे अम्मा पापा को तो लगा कि बस अब इसने कहाँ और कुछ करना है, मतलब इतने अच्छी, लाइक आई गॉट अ 2-1 इन माई लॉ डिग्री. एंड देन आई वॉज वर्किंग विद आसमा जहांगीर एट दैट टाइम एंड ऑल्सो अदर गुड फॉर्म्स. तो उनको लगा अब ये नहीं करेगी ये. बट देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई फ्लू बैक वन आई केम टू लाहौर. उसी दिन आई टोल्ड अम्मा अब्बा भाई मुझे एक्टर बनना है. और फिर वो 2 महीने कोई टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कि क्यों क्या है. और फिर आई केप्ट टेलिंग देम नहीं, दिस इज माई कॉलिंग, आई एम नॉट हैप्पी डूइंग वट आई एम डूइंग, यू गाइज आर सीइंग रिजल्ट, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ. तो फिर दे वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे लाइक अच्छा चलो जाओ. वो भी फिर 1 साल दे वो वेरी रिजर्व बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर और मैं कराची, आपको रहना पड़ता है ज़्यादा काम के लिए. फिर उन्होंने अपने रिसोर्सेज छोड़े मेरे आस पास रहने के लिए. तो आई थिंक दैट्स हाउ योर वी फादर मेट. हिमसेल्फ वॉज अ डायरेक्टर एट पीटीवी, या राइट? बाबा वॉज हैड अ प्रोडक्शन हाउस अच्छा, नेम्ड एट डिजिटल मीडिया, मोस्ट डिजिटल मीडिया, डिजिटल डिजिटल मीडिया मोस्ट, या मोस्टली दे मेड लाइक सिटकॉम्स, लाइक वेरी नोन सिटकॉम्स एंड ऑल फॉर बताए ना पीटीवी. कोई नाम आई मतलब। थिंक देर वॉज वन डबल सवारी एंड समथिंग लाइक अच्छा दिस. अच्छा 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 या सो बाबा वॉज फ्रॉम मीडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एज लॉन्ग एज आई नो. ही लेफ्ट मीडिया अबाउट लाइक 10-12 years ago. एंड ये क्यों अंकल ने एकदम डिसीजन लिया? अच्छा बिकॉज उस टाइम पे बड़ा एक शिफ्ट आया था लाहौर से जी कराची. जी 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 सो बाबा वॉज लाइक आई एम नॉट लीविंग लाहौर, इज लाइक आई रादर डू समथिंग एल्स. तो आई वो हमें ये देते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि दे डिडंट वांट देयर किड्स टू बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री व्हिच इज हैपनिंग एनीवे नाउ। व्हिच इज हैपनिंग एनीवे नाउ, बट जस्ट मी, आई थिंक नन ऑफ माय सिबलिंग्स आर इंटरेस्टेड टू बी इन दिस इंडस्ट्री. तो बस ये हुआ था. और जब बचपन में भी बाबा ये कोई एड्स आते थे या कुछ आते थे तो मेरी बहन या भाई उसमें चले जाते थे, बट मैंने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, मैंने वोकलाइज नहीं किया कभी इंटरेस्ट. अच्छा, तो ये इनर सेल्फ को ये पता था इनर कि सेल्फ था, ये एक कमरे में होता था ये, जब बिकॉज आई वॉज वेरी बॉलीवुड बचपन से. तो ये जब मैं मूवीज देखने जाती थी, तो आज तक मैंने सिनेमा में कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जिसमें मैंने लड़की के अपने आप को इमेजिन नहीं किया. सो मैंने कभी लड़की पे फोकस ही नहीं किया, मुझे हमेशा लगता था वो मैं हूँ. तो आई थिंक वहाँ से वो इतना डराइव हो गया कि फिर एकदम से जब मैंने वोकलाइज किया तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ रहा है, मतलब कि अभी CSS, दे वांटेड मी टू डू CSS. और दे लाइक नहीं यू विल डू इट और अमेजिंग. एंड माय खाला भी फिर आई, नहीं CSS ये वो. एंड देन जब मैंने नहीं किया तो खैर नाउ दे आर वेरी हैप्पी विद ऑल द फीडबैक दैट आई एम गेटिंग. ग्रोइंग अप हु वाज योर इंस्पिरेशन अगर बॉलीवुड आपको पसंद ओह था? सो मेनी, एवरीबडी, लाइक फ्रॉम श्रीदेवी टू माधुरी, एवरीबडी, करीना, एवरीबडी, लाइक देयर वाज नॉट इवन वन. अब जाके मुझे ज़्यादा मेरा रुझान एक्टर्स की तरफ हुआ है बॉलीवुड में, रादर देन जस्ट समबडी हु इज प्रेजेंटेबल. बट तब पर ये पे भी बड़े था, फैंटास्टिक एक्टर्स हैं, श्रीदेवी, माधुरी, ग्रेट ग्रेट. करीना। बट नाउ आई 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 लाइक सीइंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी मोर. आई आई लाइक सीइंग न्यू गर्ल्स, लाइक यस्टरडे आई सॉ थप्पड़ फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड लाइक आई लाइक सीइंग सिनेमा नाउ, बेसिक सिनेमा. पहले तो मुझे यही होता था ना, सिंगिंग एंड डांसिंग, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. बचपन से मुझे ये था, बस यही होता है सिंगिंग एंड डांसिंग, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू. बट नाउ आई थिंक आई लाइक सीइंग एक्टिंग मोर इन अ बॉलीवुड मूवी. मैंने जो थोड़ी बहुत आपके ऊपर रिसर्च की ओह माय गॉड, उससे मुझे ये पता चला कि आपके लिए टू ब्रेक आउट इनटू द इंडस्ट्री वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना चैलेंजिंग नहीं था जितना हम स्टोरी सुनते हैं कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। हाँ इसकी क्या वजह थी? बिकॉज आई विल बी लाइंग इफ आई से सो.
initially when I flew to Karachi to give auditions, because my father was very persistent over the fact that auditions dekar jana hai jahan bhi jana hai. So my baba's very dear friend Kashyap uncle, Kashyap Mahmood. अपने बाबा का नाम बताते हैं आज आप क्यों नहीं बताते हैं? He's gonna kill me. क्यों? वो मेरी अम्मा अब्बा नहीं चाहते कि मैं उनके नाम नहीं वो अब पता करा लेंगे फिर अपने नहीं से. नहीं बस ठीक है नहीं बाबा का नाम नहीं बताएंगे आप नो no, मेरा नाम क्या है पूरा सलीम दुरे फिशा सलीम तो बाबा का क्या होगा सलीम सलीम समथिंग कुछ भी हो सकता सलीम समथिंग चले ढूंढते हैं तो काशिम महमूद एज वी ऑल नो अमेजिंग एक्टर तो काशिम अंकल वेंट लाइक के मैं आई विल मेक हर you know break it I will send her to all the auditions so he sent me to give auditions to all the major production houses so I flew to Karachi specially for a week gave all my auditions and came back to Lahore and then I started getting offers and everything so initially as we all know Dil Rupa was my debut but usse pehle I was supposed to do something else which I'm not going to name now and give the up why are you not taking names Yeah, because I feel like it will just take away from the person who did Achha, it. Okay. Off so, camera, you'll tell me? Yeah. Okay. Promise. As soon as this. Okay. So I was supposed to do a big role in. For Hum TV only? No, it was for another channel. For Airway? Yeah. Okay. So I was supposed to do that, and all of a sudden I got a call. Oh, is this the one you already told me? Abhi? No. Okay, so that was something else. Yeah. And I was like, okay. And I got very excited and everything. And. A week after I got to know, they called me. They were like, "No, they want somebody else. They want somebody known for it, and like, since it's your debut and everything." And I was disheartened and all. And then Dil Ruba came all of a sudden. And obviously, when you hear a story, it's very different to what it's shot. So Dil Ruba came, and I instantly said yes because मुझे था अगर मैं और delay करूँ ना तो क्या पता मेरे मापा मुझे CSS किताबें ला दें और कि चलो ये करो. So I said yes to Dil Ruba, to Mahesh Bhai, and I just flew to Karachi, and the rest we all see what happened. Itna simple tha sab. This is how it happened for me. तो आप जब audition के लिए आई थी एक हफ्ते उसके कितने अरसे के बाद आपको पहला अपना ये Dil Ruba आपने साइन कर लिया था? Dil Ruba I signed after a month. Within a month you'd become an actor, mashallah. But I think now isn't it like this like Dil Ruba में मेरा जो किरदार था वो लेना कोई मुश्किल काम नहीं है. वो आप एक ऑडिशन अगर देकर जाएं तो वो किरदार आपको मिल जाते हैं हाँ मुझे एवेन्यूज बहुत जल्दी मिल गए थे बिकॉज एवरी प्रोडक्शन हाउस दैट आई वेंट टू आई ऑडिशन फॉर देम एवरी प्रोडक्शन हाउस बीट हम टीवी बीट एआरवाई बीट एनी प्रोडक्शन हाउस मैंने ऑडिशन उनके पास आज तक मेरा है तो और बेसिकली लक का भी बहुत आई थिंक पार्ट होता है कि दे वर नॉट फाइंडिंग समबडी टू प्ले सनम सिस्टर एट दैट टाइम Hania's sister and they thought I am a better fit for that and I said yes to it though after when I met everybody and they were like we were looking for somebody else and all that because and then they tried to make me fit that role by putting like a darker foundation and everything because Dil Ruba pe jo mera kirdar tha that was supposed to be a girl who's complexed about her looks because you know her sister not complex but she's very average looking and everything so Who cast you for that? I mean, so it's okay. I had foundation on. I'm sorry, but like if they're casting you, फिर वो क्या expect करते हैं कि prosthetics के साथ आपको? But we did. We my amazing makeup artist. As far as I remember, my review of Dil Ruba, I said, okay, this is somebody who's really good looking. So, but yeah, that's how you guys failed with the. We failed it, maybe. No, but I think I always credit Dil Ruba to my debut. Because Ali Bhai, my director, was amazing. He taught me so much. Because I didn't even know how to look at the camera, what to do, what to do. Nothing. Basic, new. So I think Dil Ruba was very important for me to do. Because of reasons. Because I got to know here, 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 what to do, what to do. One is, I think, side this also can be that you are actually very talented. So where you have auditioned, there are some people who have looked at you. It's not like you have only हम टीवी से ऑफर आई थी बिकॉज आप कह रही हैं एआरवाई से भी आपको ऑफर थी सो आई एम श्योर दैट दे सॉ समथिंग इन यू मे बी और या मे बी हां खुद ही बोलना अच्छा नहीं लगता आपने बोल दिया तो अब क्या कर सकते हैं बट फॉर एन एस्पायरिंग एक्टर उस वक्त जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि यार कि ठीक है मैं ये Dil Ruba में इरम का रोल प्ले कर लूंगी एंड सेकंड लीड भी नहीं इट वाज अ सपोर्टिंग सपोर्टिंग एक कैरेक्टर
साइन तो आपने कर लिया कि यार अम्मा अब बस एसएससी ना करवाना शुरू कर दें, जब आपने करना शुरू किया, जब आप सेट के ऊपर गई, फिर आपको कोई रिग्रेट हुआ कि यार ये रोल मैंने, मैं कहां करीना कपूर, श्रीदेवी, माधुरी और यहां मैं इरम बन के आ गई हूं? नहीं, बिकॉज़ पता नहीं क्यों, आई थिंक इट वाज दैट लव टू एक्ट दैट नेवर मेड मी फील दैट आई एम डूइंग अ कैरेक्टर लेस देन व्हाट हानिया वाज प्लेइंग. आई डोंट नो.